कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। ये खून उसका नहीं। आखिर क्या होप दी थी विजय ने फैंस को? क्या कहा फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने? क्या होगी स्टोरी केजीएफ चैप्टर 3 की? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलिक रात स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ अब एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। रिसेंटली कुछ सालों से केजीएफ चैप्टर 2 की बस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई जिसमें साउथ के सुपरस्टार यश थे और उनके साथ एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी भी थी। थिएटर्स में मूवी ने बहुत अच्छा किया था जिसकी वजह से मूवी बहुत फेमस हुई। उसके बाद मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो में आई और वहाँ बहुत लोगों ने देखी भी ये फिल्म। इस मूवी के चैप्टर 2 के लिए फैंस ने बहुत वेट किया और जब उन्हें पता चला कि इस मूवी में बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त और एक्ट्रेस रवीना टंडन भी काम कर रही हैं, तब मूवी की हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई थी। केजीएफ मूवी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की है और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी फिल्म ने इतना नाम किया हो। केजीएफ चैप्टर 2 ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है और कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही है बॉक्स ऑफिस में और पैसे कमाए जा रही है और रिकॉर्ड्स ब्रेक करे जा रही है। केजीएफ फ्रेंचाइजी बहुत सक्सेसफुल रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया। इस फिल्म ने 1,000 करोड़ क्रॉस कर लिया है और ये फिल्म अब दंगल, बाहुबली 2, द कंक्लूजन के साथ खड़ी हुई है उस एलीट क्लब में। केजीएफ फ्रेंचाइजी की वजह से कन्नड़ इंडस्ट्री को बहुत रिकॉग्निशन मिली और टैलेंटेड एक्टर यश और डायरेक्टर प्रशांत नील दोनों का टैलेंट भी बाहर आया और साथ ही उनको बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी और बातें जानते हैं इस फिल्म के बारे में। अभी रिसेंटली ऐसा बताया गया था कि केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग अक्टूबर या नवंबर के बाद इसी ईयर स्टार्ट होगी। होमीवर फिल्म्स के को-फाउंडर एंड फिल्म के प्रोड्यूसर विजय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी प्रशांत नील सलार फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और उस फिल्म की 30-35% शूटिंग कम्प्लीट हो गई है। प्रशांत नील प्लान कर रहे हैं कि सलार फिल्म अक्टूबर या नवंबर में खत्म करके उसके बाद उसी टाइम केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट कर दें। ये सुनके फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद फैंस सिर्फ और सिर्फ इसी फिल्म का वेट कर रहे हैं। बट अभी 14 की रात को फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एक बड़ा ही यूटर्न ले लिया जो विजय ने कहा उससे और कहा कि जो भी न्यूज चल रही है केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में वो अभी तक सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके सामने इतनी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं फिलहाल जिसकी वजह से वो अभी केजीएफ चैप्टर 3 के लिए काम स्टार्ट नहीं करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जब भी वो केजीएफ चैप्टर 3 के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे वो सभी फैंस को बताएंगे, बट अभी कुछ टाइम वो केजीएफ चैप्टर 3 के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद फैंस काफी निराश हो गए क्योंकि जो होप विजय ने दी थी ये बोल के कि इस फिल्म की शूटिंग भी इसी साल स्टार्ट कर देंगे वो अब पूरी तरह से चली गई है और फैंस को प्रशांत नील की इस फिल्म के लिए और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। केजीएफ और सलार की चर्चा अभी हर जगह है और फैंस अभी वेट कर रहे हैं कि इन दोनों फिल्म्स का। और साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि सलार फिल्म में केजीएफ के स्टार यश भी दिखाई देंगे और आगे जाके जैसा कि विजय ने कहा कि प्रशांत नील मार्वल यूनिवर्स टाइप का फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्रभास और यश साथ में किसी फिल्म में दिखे। केजीएफ के बारे में फैंस अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज बनाए जा रही हैं और सब अपने चांसेस ले रहे हैं कि क्या होगा। फिल्म ने अभी तक कोई आइडिया नहीं दिया है कि क्या हो सकता है इस फिल्म के थर्ड पार्ट के सीक्वल में और फैंस वेट कर रही हैं इस फिल्म का। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन हाँ आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारे आज के राइटर हैं उदित।